वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल से जुड़े यह उपाय करने से बदल सकती है आपकी किस्मत। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पीपल से जुड़े कुछ उपाय करने से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। दुर्भाग्य दूर करने का उपाय। अगर मेहनत के बीच बार बार किस्मत आकर टकरा जाती है तो वैसाखी पूर्णिमा के दिन नारायण की विधिवत पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और नारायण के मंत्र का जाप परिक्रमा के दौरान करते रहें। इसके बाद प्रभु से अपने दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे नारायण का आशीष तो मिलता ही है, साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। दूसरा जान लेते हैं धन प्राप्ति के लिए उपाय। जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं होती तो पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद पीपल के 11 पत्ते लेकर इन्हें गंगा जल से शुद्ध करें। इन पत्तों पर लाल चंदन से श्री लिखें और इनकी माला बनाकर नारायण को पहनाएं। इससे नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी समस्या के लिए यह उपाय है, लेकिन मैं आपको एक उपाय और बताऊंगी। देखिए, जो वैसाखी पूर्णिमा होती है, कहते हैं पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है वैसाखी पूर्णिमा के दिन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पीपल के पेड़ पर वास होता है। तो इस दिन आप जो भी पूजा करेंगे, आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो सुबह जो पूजा बताई है अभी पहले उपाय में, वो तो आप कर सकती हैं, लेकिन शाम को आप 2 दीपक, देसी घी के 2 दीपक बनाएं, 2 बाती वाला 1 दीपक बनाएं। तो 2 बाती का 1 दीपक, ऐसे ही आपको 2 दीपक बनाने हैं, एक माता लक्ष्मी का, एक भगवान विष्णु का, और वहाँ जाकर उनको जलाना है पीपल के पास, और वहाँ जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के जितने भी मंत्र हैं उनका जाप करना है और अपनी जितनी भी परेशानियां हैं वहां जाकर आपको कहनी है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी का पीपल पे वास होता है, तो उनकी जो भी कोई पूजा करता है उसे 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर रात को 2 दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती है, लेकिन माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है और धन संबंधी हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो यह था धन संबंधी उपाय। अब जानते हैं तीसरा उपाय। अब जिनके शनि की परेशानी होती है, शनि से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए यह उपाय है। अगर आपके जीवन में शनि से जुड़ी समस्याएं हैं तो पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कुश का आसन बिछाकर देसी घी का दीपक जलाएं, प्रभु श्री राम को याद करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। ऐसा करने से शनि से जुड़े दोष कम होते हैं और जीवन के कई संकट दूर हो जाते हैं। अब करते हैं नवग्रह शांति के लिए उपाय। नवग्रह शांति के लिए वैशाखी पूर्णिमा पर सुबह जल्द उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मिट्टी से पीपल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग का पूजन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से नवग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा पर प्रातः 10 बजे पीपल वृक्ष पर माता लक्ष्मी का फेरा लगता है। इस समय पीपल के वृक्ष की धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा करना चाहिए। ऐसे में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। इस पर जल अर्पित करने से, दीपक जलाने से देवताओं की भी कृपा मिलती है। वहीं आप वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर पानी में दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाएंगे तो आपके पितर भी आपसे संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखेंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल पर लोटे में जल लें और कच्चा दूध और बताशा मिलाकर अर्पित करें। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो यह थे हमारे वैशाख पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने के उपाय, जिससे आप
आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी तरह के संकट दूर होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।